हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी विज्ञप्ति को लेकर आई हूँ। इसके अंतर्गत जो है एनडीए की वैकेंसी आई हुई है। आइए देखते हैं कि हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो इसमें पहले आप upsc.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप आएंगे एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में एक्टिव एग्जामिनेशन के वेब सेंटर, उस पर आएंगे कॉलम में एक्टिव एग्जामिनेशन में आपको ये देखिए लिखा हुआ है नेशनल डिफेंस अकेडमी नेवल अकेडमी की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत ये देखिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन है। इसमें जो है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2022 है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 18 मई की आई हुई है और एग्जाम जो होगा इसका 4 सितंबर 2022 को होगा। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 7 जून तक है, लास्ट डेट है। और जो अभी इन्फॉर्मेशन अपलोड की गई है वो 18 मई को अपलोड की हुई है। आपको इसकी डिटेल वेबसाइट एडवर्टीजमेंट की डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस यहाँ से PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है, आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें देखिए ये नेशनल एनडीए के लिए आई हुई है वैकेंसी। तो एनडीए में इसमें तीन पोस्ट है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। तो आर्मी में 208 पोस्ट है, जिसमें कि 10 पोस्ट जो है फीमेल के लिए कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। नेवी में 42 है, जिसमें से 3 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसी तरह से एयरफोर्स में 92 पोस्ट है, जिसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। और साथ ही साथ ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए, इसमें भी 2-2 सीट्स जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दी गई हैं। साथ ही साथ जो दूसरी वैकेंसी है वो नेवल एकेडमी के लिए है, जिसमें 30 पोस्ट है जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इस तरह से टोटल 400 पोस्ट जो है आई हुई है वैकेंसी। अब आइए आगे देखते एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें यदि आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th पास होना जरूरी होना चाहिए, ठीक है। 12th पास आप किसी भी स्टेट के हो पास कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए है। और साथ ही साथ यदि आप एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 12th पास तो होना ही चाहिए, प्लस साथ ही साथ आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होने चाहिए, जिसमें आपने कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है 12th क्लास में पढ़ा हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस में देखिए सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो है उन्हें ही सिर्फ 100 रुपीज का पेमेंट करना है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, वार्ड के हैं, JCO हैं, NCO और ऐसे ये कोई भी हैं, उन्हें फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट जो है आपका कैश के थ्रू भी, UPI पेमेंट के थ्रू, किसी भी थ्रू आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन में देखिए रिटर्न एग्जाम होगा आपका, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे आपके, और मैथ, एक पेपर मैथ का होगा, दूसरा जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा, जिस तो, और जो दोनों ही ढाई ढाई घंटे के पेपर होंगे। तो जो मैथ्स का पेपर होगा 2.5 घंटे का, 300 मार्क्स का, और GS का पेपर जो जनरल एबिलिटी का पेपर है वो 600 मार्क्स का होगा, वो भी 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 900 होंगे मार्क्स के। और जो भी स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करता है उसे जो है फर्दर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो एग्जाम होगा ये पूरा टोटल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये इसका फर्दर सिलेबस भी दिया हुआ है कि आपको एग्जामिनेशन के समय क्या पढ़ना है। तो ये जब आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको किस पेपर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो आप अपने हिसाब से इसको डाउनलोड करके अपना चेक कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको upsconline.nic.in पे लॉग इन करना है। तो आइए हम इसकी वेबसाइट खोलते हैं। तो देखिए ये वेबसाइट है upsc.nic.in की, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये वेब पेज खुल के आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ UPSC, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा पेज, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला फॉर्म देखना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑफ एंड नेवल एकेडमी का, जिसकी जो 2022 का है, 10/2022 NDA, ठीक है, 18 मई को शुरू हुआ है, 7 जून तक भर सकते हैं। तो ये चूंकि 2 पार्ट में फॉर्म भरना है, Part 1 and Part 2, तो आइए Part 1 पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या ओपन होता है। हमने Part 1 पे क्लिक कर दिया है। Part 1 पे क्लिक करेंगे तो इसने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि Part 1 पे आपको क्या क्या चीजें भरनी है, और इसमें बता रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में अवेलेबल है, ठीक है। ऑनलाइन पत्र को 2 भागों में भरा जाता है, 2 भाग दिखाया कि 2 पार्ट है। तो Part 1 जो है वो किस लिए है, Part 1 में क्या है, उम्मीदवार की को सामान्य जानकारी देनी होगी, ताकि साथ ही साथ जो है, ठीक है। और जो दूसरा Part 2 होगा वो आपका डिटेल रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें कि आप अपना पेमेंट डिटेल, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें भरेंगे। तो Part 1 और Part 2 दोनों ही भरना है। इन सबको भरने की डेट जो है 7 जून तक है, ठीक है, शाम को 6 बजे तक करना है। यदि आप सहमत हैं, ठीक है, ये सहमत है तो एग्री का बटन पे क्लिक करना है,
यहाँ फोटोग्राफ्स के लिए दे दिया है कि साइज क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें दे रखा है। इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद जो है इसको आप, आपने पढ़ लिया तो यस करके हाँ करके ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका पार्ट वन ओपन हो गया, ठीक है। तो आप पार्ट वन यहाँ से ओपन हो गया है, तो आप यहाँ से पार्ट वन भरिए, ठीक है। पार्ट वन भरने के बाद जब आप ये भर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो आपको फिर पार्ट टू भरने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्ट टू है, पार्ट टू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन आईडी से रिलेटेड आ जाएगा कि क्या रजिस्ट्रेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। तो ये आप जैसे ही पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन जब लॉगिन करेंगे तो आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, पेमेंट करिएगा। फिर उसके बाद आपको फोटो साइन और फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद सेंटर का सिलेक्शन और डिक्लेरेशन देना है। इस तरह से करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आप आवेदन के लिए योग्य हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।